الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। दरसे कुरान मजीद में आप सब का तहे दिल से खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको अच्छा रखे, हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर रखे, दुनिया और आखिरत दोनों में एक कामयाबी अता करे। अब हम लोग आ जाते हैं दरसे कुरान की तरफ, जिसके लिए आप सब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, और अब वक्त हो गया है कि स्टार्ट करें। जो लोग सिलसिलेवार देख रहे हैं हफ्तावारी दरसे कुरान मजीद, उनको अच्छी तरह से पता है कि दरसे कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल चल रही है, और लास्ट वीक हम लोगों ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 66 से लेकर 72 तक का दर्स सुना और सुनाया था। तो आज हम लोग आयत नंबर 73 ऑनवर्ड्स जानेंगे सूरह बनी इसराइल की, लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल लास्ट वीक का छोटा सा रिवीजन, ताकि सब लोगों को रिवाइज हो जाए और रिकॉल हो जाए। तो लास्ट वीक हम लोगों ने तफसील से जाना था बनी इसराइल की आयत नंबर 66 से लेकर 72 तक, उसके तर्जुमे को हम आपको रिवाइज कराएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 66 में हम लोगों ने जाना था, तुम्हारा रब वो है जो चलाता है तुम्हारे लिए कश्तियों को समंदर में, ताकि तुम उसका फ़ज़ल तलाश कर सको, यकीनन वो तुम पर बहुत ही रहीम है। आपको याद आ गया होगा कि हमने इसके अंदर में आपको बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ बायोन्सी भी बताया था, कि किस तरह बॉयंट फोर्स पानी में नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से मुमकिन हो पाता है कि कश्ती समंदर में चले, बड़े बड़े जहाज़ चल सकें। और ये बताने का मकसद जाहिर है यही था कि ये जो फिज़िकल लॉ है, बॉयंट फोर्स जो बनाया, वो अल्लाह ताला ने बनाया। आयत नंबर 67 में हम लोगों ने जाना था कि और जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती है समंदर में, गुम हो जाते हैं वो सब जिन्हें तुम पुकारते हो सिवाय उस एक अल्लाह के, फिर जब वो तुम्हें बचा लाता है खुशकी की तरफ तो तुम मुंह मोड़ लेते हो, और इंसान बड़ा ही नाशुकरा है। इसके अंदर में हम लोगों ने जाना था कि जब बड़ी मुसीबत में इंसान गिरता है, तो उसके 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 और जाहिर के दरमियान जो मादा परस्ती के पर्दे हैं वो सब चढ़ जाते हैं, और तौहीद अंदर से बिल्कुल निकल के बाहर आ जाती है, और एक अल्लाह को पुकारने लगता है इंसान, और जो माबूदाने बातिल हैं उनको तो याद भी नहीं करता ऐसे मुश्किल वक्त में। फिर अल्लाह से दुआएं करता है, अल्लाह ताला उनकी दुआएं सुन लेता है और उन्हें महफूज किनारे तक पहुंचा देता है, तो फिर क्या होता है, इंसान फिर से नाशुक्री करने लगता है, और वो वाकईतन नाशुक्रा है, यानी इंसान की मेजॉरिटी, सब के सब नहीं। आयत नंबर 68 है,
तो क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो धंसा दे तुमको कहीं खुश्की में ही, या वो तुम पर भेज दे कंकर बरसाने वाली तेज़ हवा, फिर तुम ना पाओ अपने लिए कोई बचाने वाला? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया कि क्या तुम सिर्फ समंदर में अल्लाह से डरते हो, और खुश्की में क्या अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर हो कि वो तुम्हें ज़मीन के अंदर धंसा दे या कोई आधी तूफान ऊपर से भेज दे और तुमको ज़मीन पर ही जहाँ बड़े मुतमईन हो पर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतमईन हो, क्या वहाँ पर अल्लाह ताला की नाराज़गी से कोई बचा सकता है तुमको, अल्लाह के अज़ाब से कोई बचा सकता है? आयत नंबर 69 में है, या तुम बेखौफ हो गए हो इससे कि वो फेर ले जाए तुमको उसी समंदर में दूसरी मर्तबा, फिर भेज दे तुम पर हवा का ज़ोरदार झक्कड़, सो तुम्हें गर्क कर दे तुम्हारे कुफ्र की पादाश में, फिर तुम ना पाओ अपने लिए हमारे ख़िलाफ़ उसकी वजह से कोई ताकुब करने वाला। और लाजमन इस बात पर भी कादिर है कि वो उसी समंदर में दोबारा जाने का हालात पैदा कर दे और इंसान उसी तूफ़ान में दोबारा चला जाए, तो फिर अल्लाह ताला आपकी बार उसके बचा के नहीं लाए। तो अल्लाह ताला क्वेश्चन छोड़ रहा है, सर्चिंग क्वेश्चन, कि सोचो और गौर व फिक्र करो और अपने रब को पहचान जाओ और बहरोबर दोनों जगह उसकी फरमाबरदारी करो। अगली आयत है आयत नंबर 70 की, और हमने बड़ी इज्जत बख्शी है औलाद आदम को और हम उठाए फिरते हैं उन्हें खुशकी और समंदर में, और हमने उन्हें पाकिज़ा चीज़ों से रिस्क अता किया और उन्हें फजीलत दी अपनी बहुत सी मखलूक पर, बहुत बड़ी फजीलत। इसके अंदर में हम लोगों ने जाना था कि अल्लाह ताला ने सारे के सारे बनी आदम को इज़्ज़त वाला मुकर्रम बनाया है, और अल्लाह ताला किस तरह से ज़मीन पर और समंदर पर उठाए फिरता है इंसान को गोया, तफसील से हम लोगों ने जाना था, और पाकीज़ा चीज़ों से क्या मुराद है ये भी जाना था, और अल्लाह ताला ने इंसान को फजीलत दी है बहुत सारी मखलूक़ात पर, और ये भी जाना था, एक गलत फहमी का यहाँ पर रेपिटेशन भी हुआ था कि अशरफुल मखलूकात लफ्ज़ ना ही क़ुरान में है और ना ही हदीस में, बहुत सारी मखलूक पर फजीलत है, सारी की सारी मखलूक पर नहीं। अगली आयत आयत नंबर 71 है, जिसमें हम लोगों ने जाना था, जिस दिन हम बुलाएंगे तमाम इंसानों को उनके सरदारों के साथ, तो जिसको दिया जाएगा उसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में, तो ऐसे लोग पढ़ेंगे उस नामा या आमाल को और उन पर जुल्म ना किया जाएगा धागे के बराबर। फिर नियामतों के जिक्र के बाद सवाल जवाब का जिक्र हो गया कि आखिरत में जो लोगों ने रब की मानी होगी उनको उनका नामा अमल दाहिने हाथ में मिलेगा और वो खुश खुश दूसरों को दिखाएंगे। और ये बात यहाँ पर महजूफ थी कि ज़ाहिर जो नहीं मानेगा उसका नामा अमल उसको दाहिने नहीं बाएं हाथ में दिया जाएगा और वो उससे रंजीदा हो जाएगा और छुपाता फिरेगा। आयत नंबर 72 में 72 में है, और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में भी अंधा होगा और राह से बहुत दूर भटका हुआ, यानी जिसने राह हिदायत से अपनी आँख को मूंद लिया तो अल्लाह ताला उसको रोज़े आखिरत वाक़ेतन अंधा कर देंगे और उसकी नियमतों और रहमतों को से अंधा कर देंगे, उसे नहीं मिलेगा और रब का दीदार उसे नसीब नहीं होगा। ये था लास्ट वीक का रिविजन आया नंबर 72 तक, और आज का दर्स है आया नंबर 73 ऑनवर्ड्स, यानी आयत नंबर 73 से आगे की तरफ, तो तैयार हो जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَلْقَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس چیز سے ہٹا دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی چیز گڑھ کر ہم سے منسوب کر دیں۔ وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، और अगर आप ऐसा करते तब तो ये लोग आपको अपना गहरा दोस्त बना लेते। अब ये उस कश्मकश की तरफ इशारा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 12 साल से मक्का मुकर्रमा में दावत पेश कर रहे थे अल्लाह के दीन की और क़ुरान पेश कर रहे थे लोगों को, लेकिन उनमें से बहुत लोग नहीं मान रहे थे, बल्कि अक्सर लोग नहीं मान रहे थे, और सब तरह से आपकी दावत को उखाड़ फेंकने की कोशिश में लगे हुए थे।
लेकिन जब चूंकि इस सूरह का जो नुजूल का वक्त है उसे जहन में लाइए कि 12 साल गुजर चुके हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का काम करते हुए, तो शुरू के जो मराहिल थे तो उनकी जो चालें थी वो मुख्तलिफ थी। पहले वो सोच रहे थे कि ये कोई मामूली दावत है, ये कोई मामूली मजहब लेकर खड़ा हो गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी कोशिशें ये थी कि इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो वो उस तरह की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन जब 12 साल के बाद तक भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बढ़ते जा रहे थे और उनके अंदर इतनी आज़म, इतनी हिम्मत, इतना हौसला, ऐसा पुख्ता ईमान था जिसको देखकर वो बिल्कुल हैरान थे, तो अब वो नई नई चीज़ें लेकर आ रहे थे। यानी अब वो अंदर से तो कमज़ोर पड़ चुके थे लेकिन बाहर से वो जाहिर नहीं कर रहे थे, तो अब एक नई चीज़ लेकर आए थे क्या कि कुछ मसालेहत हो जाए। तो कुछ आप मोहम्मद आप मेरी मान लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ आप हमारी मान लीजिए, कुछ हम आपकी मान लेते हैं, कुछ इसमें चेंजेस कर दीजिए, कुछ तरमीम, कुछ तब्दीली कर दीजिए। तो इस तरह की मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिमांड हो रही थी कि कुछ मतलब इतना रिजिड ना रहिए, थोड़ी आप हमारी मानिए, थोड़ी हम आपकी माने, तो इस तरह से हम लोग मतलब अमन के साथ एक साथ रह सकते हैं। और सूरह यूनुस के आयत नंबर 15 में आया है ना, इत्तबे कुरान इन गैर हाजा औ बद्दिल हो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस कुरान के अलावा कोई कोई दूसरा कुरान पेश करें या इसमें रद्दो बदल कर दें। मतलब वो चाह रहे थे कि अल्लाह ताला ने जो वही नाजिल की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसमें कुछ तब्दीलियां हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए, कुछ अमेंडमेंट हो जाए और उनके नफ्स के मुताबिक हो जाए। मतलब उनकी ये एक चाल थी कि हक को किस तरह से मतलब हक से रसूलुल्लाह को डेविएट कर दें, किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी को मतलब कमज़ोर कर दें। तो इस तरह की कुछ मतलब डिमांड्स आई थी। और बनू सकीफ के बारे में आता है कि बनू सकीफ के कुछ लोग आए थे और कह रहे थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये चेंजेस कर दीजिए, ये मतलब कम कर दीजिए, तो हम अभी इस्लाम को कबूल किए लेते हैं। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने फरमाया कि ये लोग बिल्कुल अड़े हुए थे, तुले हुए थे, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था आप पर कि आप वही से थोड़ा सा भी हट जाए। यानी अल्लाह ताला ने जो दीन जिसकी जड़ बुनियाद तौहीद है, जिस 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 जड़ पर वो दरख्त खड़ा हुआ है शजरे तय्यबा, वो तौहीद की बुनियाद पर, तौहीद की जड़ पर खड़ा हुआ है, तो उस तौहीद में थोड़ी सी मतलब वो मसालिहत चाह रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे थे कि इतना रिजिड है ये कुरान, ये कितनी रिजिड बातें करता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए ना, थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा रिजिडिटी कम कर दीजिए और जो जो दावत आप हमें दे रहे हैं वो बिल्कुल दो टोक ना हो करके थोड़ा सा मसालेहत और थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लोग सेटल कर लें और हम लोग अभी इस्लाम कबूल किए लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर आप ऐसा कर लेते तो ये लोग आपको अपना गाढ़ा दोस्त, बहुत दिली दोस्त बना लेते। और दोस्त ही क्या, वो तो बादशाह बनाने के लिए भी तैयार थे ना, ये ऑफ़र लेकर आए थे ना कुफार कि आपको अगर कोई जिस भी खातून से आप शादी करने चाहें, जितने आला ख़ानदान से हम करवाएंगे, अगर आपको कोई मर्ज है तो हम इलाज करवाएंगे, बड़े से बड़ा डॉक्टर हकीम और मालिज को हम इंतज़ाम करेंगे, उसका खर्च हम उठाएंगे, अगर आप आपको कोई जुनून लाहक हो गया है तो हम काहिनों को और हम रूहानी मालिज को लेकर आएंगे, आपका इलाज कराएंगे, और आपको अगर इख्तदार चाहिए तो हम आपको अपना बादशाह तस्लीम कर लेंगे, बस आप ये दावत छोड़ दें। तो वो तो अपना बादशाह भी तस्लीम करने के लिए तैयार थे और अल्लाह ताला कह रहे हैं वो खलील बना लेते, वो बहुत जिगरी दोस्त आपको बना लेते। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा भी अगर मतलब वो सोच रहे थे कि वो राह हक से थोड़ा डेविएट कर देंगे तो उनकी सबसे बड़ी जीत होगी, तब तो मतलब दोस्ती हो ही जाना थी। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया,
आयत नंबर 74 में वलौला अन थब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीला, और अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो ऐन मुमकिन था कि आप उनकी तरफ कुछ ना कुछ झुक ही जाते। देखिए यहाँ पर बहुत बहुत टफ आयत है। टफ इस सेंस में कह रहे हैं कि जो भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो रसूल के बारे में फरमा रहे हैं, और वो रसूल, सभी रसूल की शान ये है कि वो मासूम होते हैं। तो समझना बहुत ही इतदाल के साथ होना चाहिए, बोलना बहुत ही बैलेंस्ड वे में ही चाहिए, क्योंकि ज़रा सा इधर या ज़रा सा उधर दोनों तरफ होने से ख़तरा लाहक हो सकता है, बात गलत हो सकती है, गलत कही या समझी जा सकती है। इसलिए बहुत बैलेंस्ड वे में इसको समझना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो मुमकिन था कि आप कुछ ना कुछ झुक ही जाते। इससे मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ उनके दिखाए हुए फ़ायदों की तरफ रग़बत करने लगे थे, माज़ल्ला, या उनकी दी हुई लालच की तरफ माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ा सा भी मैलान हुआ था। बल्कि यहाँ पर बात यह है कि जो तजब्जुब की कंडीशन होती है ना, डेलिमा में पढ़ना, वो एक मासूम इंसान जो कि रसूल हो उससे भी मुमकिन है। यानी रसूल के मासूम होने का तकाजा ये नहीं है कि वो कभी भी डेलिमा में ही नहीं पड़ेगा, कभी उसे तजब्जुब की कंडीशन नहीं लाहक होगी। बल्कि समझने वाली बात यह है कि रसूल भी जो कि मासूम हो, जिसकी असमत का ये हाल हो कि उससे कोई गुनाह सरजद ना हो, उस वो भी कभी डेलिमा में, कभी कंफ्यूजन में, कभी तजब्जुब में पड़ सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि उसका जो कंफ्यूजन होगा ना, तो वो इसलिए नहीं होगा कि वो नफ्स को मतलब मुतमईन करने के लिए हो, बल्कि खैर के लिए होगा। यानी जो कंफ्यूजन लाहक होगा उसका मकसद नफ्स का इत्मीनान नहीं, बल्कि जाहिर में दिख रही भलाई है। और जब भी रसूल इस डेलिमा में कभी भी आया है तो वो उसके मासूम होने से असरअंदाज नहीं होता। वो अल्लाह ताला उसको क्या करता है कि वो अल्लाह ताला रहनुमाई कर देता है, और अगर गलत की तरफ हल्का सा मैलान भी हुआ था तो उसको ऑप्ट करने से अल्लाह ताला रोक देता है। ठीक है, जो पॉइंट नंबर वन हमने आपको बताया कि वो खैर के लिए रसूल ऐसा डेलिमा में आता है, ना कि नफ्स के लिए, तो उसको इस तरह से समझिए कि जैसे ये कंडीशन है जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैलान अगर एक लम्हे बराबर के लिए उधर हुआ भी होगा तो उसका जो ज़ाहिरी पहलू है कि काफ़ी लोग हल्का बगोश इस्लाम हो जाते, उस खैर की तरफ है, उस खैर की तरफ है, ना कि आप अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए ऐसा कन्फ्यूजन लाहक हुआ। जैसा कि सूरा अबसा सूरा नंबर 80-91 है ना, अबसा व तवल्ला अंजा अहुल आमा, कि वो तुर शुरू हुआ, उसने त्योरी चढ़ाई और मुंह मोड़ लिया कि उसके पास एक नाबीना आया। तो अब इसमें क्या था, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के नाबीना होने की वजह से मतलब आपकी त्योरी चढ़ गई थी कि ये कहाँ से आ गया ये नाबीना शख्स मेरे पास? नहीं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे कुछ शुरफा, जो वाइट कॉलर पीपल कहलाते हैं सोसाइटी के, उनको दावत दे रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो त्योरी चढ़ी, जो थोड़ा सा तुरशु हुए आप, तो वो इसलिए कि कहीं इनको नाजीब लग जाए इनको, तो वो एक मतलब जो दावत का काम है वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, वो अफेक्ट ना हो जाए। तो उन तो इसमें भी भलाई, उसका खैर जो है उस कंफ्यूजन या उस त्योरी चढ़ाने में उसकी उसकी भलाई का पहलू है, ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी किसी भी गरीब से गरीब या किसी फ़कीर से फ़कीर या किसी भी अदना से अदना इंसान से कभी भी आपने मतलब मुंह मोड़ा था।
बल्कि यहाँ पर भी खैर का पहलू था। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि बहुत नाजुक ये आयत है, जिसको समझना समझाना दोनों ही बहुत ही नज़ाकत के साथ होना चाहिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो ये बात कही गई अल्लाह ताला की तरफ से कि आप कुछ झुक ही जाते, तो वो खैर के लिए था कि कहीं आप ये समझ लेते कि इतने लोग मतलब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे तो थोड़ी सी मसालियत थोड़ी सी कर ली जाए क्या। ऐसा डिलेमा में लम्हे दो लम्हे के लिए रसूलल्लाह पड़े होंगे, लेकिन ये आपके मासूम होने के कक्का कंट्रास्ट नहीं है, बल्कि ऐसा रसूल से भी हो सकता है कि उसे कभी कंफ्यूजन लाहक हो और कभी वो ऐसा सोचे, लेकिन ये अल्लाह ताला के लिए हक है कि वो जब भी रसूल को ऐसा कोई डिलेमा पेश आए तो वो हिदायत की राह उन पर वाज़े कर दे और रॉन्ग ऑप्शन को ऑप्ट करने से रोक ले, गलत जो ऑप्शन है उसको रसूल अमल से करने या ज़ुबान से निकालने से रुक जाए। तो ये अल्लाह ताला पर है, तो अल्लाह ताला इसको अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि हमने आपको साबित कदम रखा तो आप रुक गए। ये बात सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं आई है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी आई है, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 24 में, कि अगर अजीज मिस्र की बीवी ने तो कस्द कर ही लिया था और अगर हम आपको वो बुरहान ना दिखा देते तो आप भी कस्द, यूसुफ भी कस्द कर लेते। यही बात है मिजाज में, ऐसी ही बात है कि रसूलों को अल्लाह ताला मतलब अगर हल्का सा मायल भी होने लगे रॉन्ग की तरफ, रॉन्ग अपने नफ्स के लिए करने के लिए नहीं, किसी भी वजह से खैर के पहलू से, तो अल्लाह ताला रोक लेते हैं। अगली आयत है आयत नंबर 75, इज़ल्ला अज़क़ना क़द्फ़ल हयाति वक़द्फ़ल ममात। अगर ऐसा हो जाता बिल फ़र्ज़, ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा हो जाता तब हम आपको दुगनी सज़ा देते ज़िंदगी में और दुगनी सज़ा देते मौत पर। ثم لا تجد لك علينا نصيرا, फिर ना पाते आप अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार। अब देखिए ये भी अगली आयत भी उतनी ही नाजुक है समझने और समझाने में, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप ज़रा सी लचक पैदा कर लेते तो क्या होता कि आपको दुगनी सज़ा देते दुनिया में भी और मौत के वक्त भी। असल में जिसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है ना, तो उसको इनामात भी ज़्यादा मिलते हैं और रॉन्ग डूइंग पर पनिशमेंट भी ज़्यादा का मुस्तहिक होता है। रसूलों से ना कोई ख़ता हुई है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है, बल्कि ये बिलफर्ज़ कहा जा रहा है। यूँ कह लीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ को एड्रेस करके कुफार को सख्ती और तंबी की जा रही है कि तुम मतलब उसके अंदर इतना ज़रा सी भी लचक नहीं पाओगे, तुम अपनी शामत समझ लो बुला रहे हो कि उसके साथ ऐसे ऑफर्स दे रहे हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हम मतलब अगर बिलफर्ज़ ऐसा हुआ नहीं, कभी भी नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ता का इर्तिकाब होता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो जो कहा ना डिलेमा वाली पोजीशन आई थी, तो उसके लिए बिलफर्ज़ कहा जा रहा है कि अगर बिलफर्ज़ महाल ऐसा हो जाता तो ऐ नबी जिस तरह हमने नियमतें आपको बढ़ा कर दी हैं उसी तरह आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है ना, तो पनिशमेंट भी डबल ही मिलती, तो ये बिलफर्ज़ है। लेकिन इसे एक बात तो समझ में आ ही जाती है, एक शेर है, अर्रब रब्बुन व इन तनज़्ज़ला वल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का, कि रब तो रब ही है चाहे जितना तनज़्ज़ुल फरमा ले और बंदा बंदा ही है चाहे जितना तरक्की कर ले। तो अल्लाह की शान तो अल्लाह ही की है, बंदों की शान चाहे वो रसूलों की हो वो बंदों ही की होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रहे ये मलहूज रहे कि किसी भी रसूल से इंक्लूडिंग लास्ट एंड फाइनल प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख़ता
सरजद नहीं हुई है, कोई गलती नहीं हुई है, ये बिलफर्ज़ मुहाल कहा गया ताकि वाज़े हो जाए कि अल्लाह ताला का इंसाफ बेलाग है। अगली आयत है आयत नंबर 76, व इन कादू लयस्तफिज़ूनक मिनल अर्द लियुख्रिजूक मिन्हा व इदल ला यल्बसू खिलाफक इल्ला कलीला, और ये तुले हुए हैं कि आपके कदम उखाड़ दें इस ज़मीन से ताकि आपको यहाँ से निकाल बाहर करें, और अगर ऐसा हो तब वो खुद भी नहीं ठहरेंगे आपके बाद मगर बहुत थोड़ा अरसा। अब देखिए 12 साल मक्का की कश्मकश है और अब सिर्फ 1 साल बचा है हिजरत के का वक्त आने में, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग ने तुमको इतना परेशान कर दिया ए मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह कि ये लोग चाहते हैं कि तुमको निकाल कर बाहर कर दें, और अगर इन्होंने ऐसा मतलब करने पे अगर बिलफर्ज कामयाब हो भी गए तो फिर ये भी नहीं टिकने वाले इस शहर में। अब क्या था कि सीरत की तरफ से ही हमको इसकी तफसीलात मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से दावत दे रहे थे तब से मुखालफतें जब शुरू हो गई तो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर जो लास्ट एंड फाइनल उनके लिए ऑप्शन बचा था कि चलो ठीक है कुछ ऑफ़र दिया जाए और उस ऑफ़र के ज़रिए कुछ मसालहत हो जाए, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो जब वो कॉम्प्रोमाइज़ अभी उन पॉसिबल नहीं हुआ, जब वो ऑफ़र लेकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने साबित कदमी नसीब की और वो चीज़ में भी वो कामयाब नहीं हो पाए, अपना जो आखिरी हथकंडा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरगश्ता करने का डिविएट कर देने का, उसमें भी जब कामयाब नहीं हुए तो अब क्या हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे हो गए और वो बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने पर उतारू हो गए और वो ये कोशिश में लग गए कि किसी तरह इस शहर मक्का से इनको निकाल बाहर करें, यानी ज़िंदगी को इतना दुश्वार कर दिया, इतना मसाइब और इतने शिद्दत के कश्मकश पेश आई हमारे प्यारे नबी को, बहुत बहुत तरह से सताया गया, बहुत बहुत तरह से परेशान किया गया, हर किस्म की मुसलमानों को तकालीफ दी गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे दिल में रंजीदा हों और आपको मतलब ज़हनी तकलीफ़ पहुँचे, रूहानी तकलीफ़ पहुँचे, अखलाकी तकलीफ़ पहुँचे और आप अपने मोटिव से ज़रा सा इधर उधर हो जाएं, तो सब तरह से सताया गया। अल्टीमेट ऑप्शन यही था कि और भी नबियों और भी रसूलों के साथ ये हुआ था कि रसूलों को और उनके पैरोकारों को उस शहर से शहर बदर कर दिया गया और निकाल दिया गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी वो हालात पेश आने लगे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये तो बिल्कुल तुले हुए थे कि आपका मतलब आपको यहाँ से निकाल कर बाहर कर दें। इंसान को अपना आबाई वतन अपना आबाई शहर कितना महबूब होता है ना, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आबाई शहर था वो क्या था, मक्का, जिसमें मतलब खाने काबा था। तो सोचिए कि अट्रैक्शन की दो दो वजह थी, एक तो वहाँ पैदा हुए वहीं पले बढ़े वहाँ के मतलब शहर शहर मतलब पूरी तरह से वेल नोन है, वहाँ बचपन गुजरा है, वहाँ जवानी पे वहाँ पहुँचे, सारी वो जो मतलब कोई चीज़ की अपना और करीब होने की जो उनसियत और मोहब्बत होती है वो तो थी ही, दूसरी एक और मोहब्बत कि वहाँ पर अल्लाह ताला का घर है, बैतुल्लाह है, वहाँ काबतुल्लाह है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डबल डबल अट्रैक्शन थी। लेकिन क्या था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का रास्ता इतना तंग कर दिया गया, ज़िंदगी में इतनी तंगी हरज पैदा कर दिया गया कि वहाँ से निकलने के हालात बना दिए गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने पूरी पूरी कोशिश कर ली कि तुमको यहाँ से निकाल के बाहर कर दें, और अगर ऐसा हो गया यानी अगर आपको मक्का से निकलना पड़ गया तो
तो ये लोग भी यहाँ टिकने वाले नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला का जो वादे अजाब है वो इनके ऊपर सादिक आ जाएगा, और ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि इससे पहले तमाम रसूलों के साथ भी यही हुआ है कि जब रसूल को हिजरत करना पड़ा है तो उसके पीछे कौम को झाड़ झंकार की तरह उखाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया गया, फेंक दिया गया, और कुछ बचता भी तो नहीं है। जब रसूल मौजूद होता है किसी कौम में तो जाहिर है कि वो उसके लिए दुआ मगफिरत करेगा, उसके लिए दुआ करेगा कि उनको अल्लाह हिदायत दे, तो उसकी नियमत उनको नसीब रहती है। लेकिन जब रसूल ही निकल जाए और उसके साथ मोमिनीन सादिकीन निकल जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है ना। अब जहाँ पर कोई मतलब ईमान की कमक मौजूद ही ना हो, जहाँ पर कोई उम्मीद ही ना हो, तो ऐसे झाड़ झंकाड़ों को छोड़ने का फ़ायदा भी क्या है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो खुद भी नहीं ठहरेंगे और बहुत थोड़ा अरसा ठहर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मक्का में तो कोई अजाब नहीं आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकजीब करने वालों को तो कोई अजाब नहीं दिया गया, रसूलुल्लाह तो निकले मक्का से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मक्का के लोग जो रसूलुल्लाह की तकजीब कर रहे थे उन पर इस सूरह के नाजिल होने के 2 साल के बाद अजाब की किस्त अव्वल आई है, और 9 साल के बाद इस सूरह के नाजिल होने के 9 साल के बाद अजाब की किस्त दोयम आई है। अभी हम आपको उसको तफसील से बताते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 77 है, सुन्नत मन कद अरसलना कबलक मिन रुसुलिना, यही हमारा तरीका रहा है उनके बाप में जिन्हें हमने आपसे पहले भेजा अपने रसूलों में से। वला तजिदुल सुन्नतिना तहवीला, और आप हमारे तरीक़े में कोई तब्दीली नहीं पाएंगे। अब अल्लाह सुब्हान तआला किस तरीके की बात कर रहा है, किस सुन्नत की बात कर रहा है? अल्लाह ताला अपनी उस सुन्नत की बात कर रहा है जिसको अभी हमने इशारा किया कि जब रसूल किसी कौम में नहीं रहता, वो उसको हिजरत करने पे मजबूर कर दिया जाता है, तो अल्लाह ताला फिर उस सरजमीन पर अज़ाब नाजिल कर देता है। कि अज़ाब आसमानी भी हो सकता है, कोई डिज़ास्टर आ जाए और वो सब ख़त्म हो जाए। ये अजाब मुसलमानों की तलवार को बेनियाम करने से भी आ सकता है कि मुसलमानों के हाथों उन्हें तबाह कर दिया जाए। ये अजाब किसी और दुश्मन कौम के उनके ऊपर मुसल्लत करने वाला अजाब भी हो सकता है कि कोई और जालिम कौम उन पर मुसल्लत कर दी जाए और वो उन्हें चाट के खा जाए, वो उन्हें नेस्त तो नाबूद कर दें। तो ये तीनों तरह में से कोई भी अजाब आ सकता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे ये हमारे हमारी सुन्नत है, ये हमारा तरीक़ा है, और आप हमारे तरीक़े में कभी भी तब्दीली नहीं पाएंगे। तो जब जब भी जो भी रसूल ने अपनी कौम को छोड़ा है, जब उनको आजिज़ कर दिया, परेशान कर दिया, रहने लायक नहीं छोड़ा माहौल को, जीने लायक नहीं छोड़ा, खुलकर सांस लेने लायक नहीं छोड़ा, इबादत करने लायक नहीं छोड़ा एक अल्लाह की, तो फिर ये हालात कहने लगते हैं कि अब यहाँ से हिजरत करने के हालात वो आ गए। तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आता है मुसलमानों और रसूलों को वहाँ से माइग्रेट करने का, हिजरत करने का। और जब रसूल हिजरत कर जाता है तो इस कौम पर जो नहीं मान रही थी और अब तक नहीं मानी, याद रखिएगा कि ये बात जो रसूल की तरफ से इतमाम हुज्जत के बाद होती है, यानी ऐसा नहीं है कि रसूल ने पहली पहली बार दावत पेश की और सामने वाले ने नहीं माना और इधर अजाब आ गया जो नाफरमान कौम है, ऐसा नहीं है। कौमों पर अजाब इतमाम हुज्जत के बाद आता है, और रसूल एक अच्छा खासा अरसा उनके दरमियान उनको इफ़ाम तफ़ीम के ज़रिए समझाता रहता है, समझाता रहता है, दावत देता रहता है, एक अल्लाह की तरफ बुलाता रहता है, और जो भी अल्लाह की शरीयत है उसकी तरफ बुलाता रहता है। ये एक अच्छे खासे लंबे टाइम के साथ होता है, इससे पहले कि रसूलों के कौमों के साथ भी हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी 13 साल आप मक्का में ठहरे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी और उन्होंने नहीं माना, ना ही सिर्फ नहीं माना बल्कि ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया उस शहर में।
तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा आ गया फिर आपको हिजरत करने का। उससे पहले भी काफ़ी मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे और कुछ मदीना की तरफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मदीना हिजरत करने का हुक्म आ गया तो फिर उनके ऊपर इस सूरह के नाजिल होने के 2 साल के बाद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के 1 साल के बाद अजाब की किस्त अव्वल नाजिल हुई। किसको कह रहे हैं हम अजाब की किस्त अव्वल? जी हाँ, गजवे बद्र को। गजवे बद्र कुफार मक्का के लिए अजाब की बहुत बड़ी शक्ल थी। मत समझिएगा कि कोई आंधी तूफान नहीं आया, कोई पानी में गर्क नहीं किया गया, बाढ़ नहीं आई तो इन पर अजाब ही नहीं आया। नहीं, उनकी जिल्लत व ख्वारी का ये बहुत बड़ा मौका था उनके लिए कि बड़े बड़े सरदाराने कुरैश उसमें कत्ल हुए हैं। 313 निहत्थे और बहुत लिमिटेड असलहों के साथ लड़ रहे मुसलमानों से। 1,000 का लश्करे जर्रार असलहों से लैस, कील कांटों से बिल्कुल लैस वो लड़ रहा है, और 313 फातेह होते हैं और 1,000 वो शिकस्त खाते हैं। और उनके बड़े बड़े नामी सरदार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को तंग करने में सबसे ज़्यादा पेश पेश थे, उन लोग इस कश्मकश में मारे जाते हैं। तो ये उनके लिए अजाब की किस्त अव्वल थी। आप किस्त अव्वल कह रहे हैं तो जाहिर बात है किस्त दोयम भी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के 8 साल के बाद, सिर्फ 8 साल के बाद, और फिर कह रहे हैं सिर्फ 8 साल के बाद पूरा मक्का फतह हो जाता है। सुभान अल्लाह। जिस सरजमीन से निकलने पर अभी मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह को बिल्कुल मजबूर कर दिया था, तंग कर दिया था ज़िंदगी को, उसी में फातेह की हैसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो जाते हैं वहाँ पर उस सरजमीन में, और वह सारे मुशरिकीन बिल्कुल जेर हो जाते हैं और हाथ बांध कर सर झुका कर खड़े हो जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। तो ये अजीम शान फतह थी जो कि मुशरिकीन के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ा अजाब की शक्ल थी। इससे बड़ा अजाब और क्या होगा कि जिसको अभी हमने इतना सता रखा था 8 साल पहले तक, वो दाखिल होता है अमन के साथ मक्का में और कहीं किसी को चूं चरा करने की भी हिम्मत नहीं होती, और सबके सब हाथ जोड़ कर और सर झुका कर आपके सामने सरेंडर। उनमें से काफ़ी लोग हो जाते हैं और जिनको हल्का बखोश इस्लाम नहीं होना था वो निकल जाते हैं। तो ये भी अज़ाब की ही शक्ल थी। तो अल्लाह ताला ने तो इससे पहले ही कह दिया था ना कि अगर तुमको इस शहर से निकाला तो ये लोग भी टिकने वाले नहीं हैं। बद्र में जान से गए और फतेह मक्का के मौके पर, जो कि हिजरत के सिर्फ 8 साल के बाद हुआ और इस सूरह के नुज़ूल के सिर्फ 9 साल के बाद हुआ। हाँ, 8 साल 9 साल में इतना बड़ा इनकलाब कभी किसी भी सोसाइटी ने कभी भी नहीं देखा था। नेवर एंड नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतना बड़ा इनकलाब सिर्फ 8 सालों में आ जाए। 8 सालों में सेंचुरीज लग जाती हैं और इतना बड़ा इनकलाब नहीं आता। कई सदियों में भी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आता। तो ये मतलब अजीम शान रसूलुल्लाह की फतह थी जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरह के नुजूल के टाइम, जो इतना मुश्किल का टाइम था, लग रहा था बस बातिल का एकदम गलबा हो गया है, उस टाइम पर उसके सिर्फ 9 साल के बाद वो फतह मुबीन नसीब हो गई। तो ये अल्लाह ताला की सुन्नत है जो पिछले नबियों और रसूलों की कौमों के साथ भी पूरी हुई कि रसूल के निकलने के बाद उनके ऊपर अजाब आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन के ऊपर भी ये सादिक आई कि उनको बद्र और फतह मक्का की शक्ल में अजाब नसीब हुआ। आयत नंबर 78 है, अकीम सलात अल दुलूक शम्स इला गसक अल लैल व कुरान अल फज्र।
नमाज कायम रखिए, सूरज के ढलने से लेकर रात के तारीख होने तक, और कुरान का पढ़ा जाना फज्र के वक्त। इन्ना इन्ना कुरान अल फज्र का न मशहूदा, यकीनन फज्र के वक्त कुरान का पढ़ा जाना मशहूद है। अब देखिए, मुश्किल तकलीफ़ और मुसीबत का दौर का जिक्र हो रहा है, यानी मक्का के 12 साल गुजर चुके हैं और कुफार की तरफ से जो परसिक्यूशन और टॉर्चर है वो अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। ज़मीन को तंग किया जा रहा है, निकलने पे मजबूर किया जा रहा है, ये हालात हैं। तो अब अगली आयत क्या आ रही है? सलाह के मुतालिक, नमाज के मुतालिक। कुरान मजीद में और भी मकामात पर आपको ये सीक्वेंस मिलेगा कि हर मुश्किल वक्त में नमाज की ताकीद की गई और यहाँ पर भी की गई। जैसे कि सूरह बकरा, सूरह नंबर तो आयत नंबर 153 में भी ऐसा ही है, और बकरा की आयत नंबर 45 में भी ऐसा ही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये बहुत शाक है, बड़ी है, बड़ी बात है, शाक गुजरने वाली बात है, लेकिन मुत्तकियों के लिए नहीं। बकरा के आदम 45 में भी ये बात आई है, और मुश्किल के टाइम के से रिलेट करके इस हलाकत की ताकीद आई है। और बकरा की 153 में भी आई, अय्युल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो आपने देखा कि कुरान हकीम में अक्सर व बेशतर जहाँ पर मुश्किल वक्त की बात आती है वहाँ पर सलाह का जिक्र आ जाता है। क्यों? उसका बहुत बड़ा रिलेशन है कि हर मुश्किल में साबित कदमी, सब्र सहार और कल्बी सुकून हासिल करने का जो सबसे मुअस्सर ज़रिया है वो है सलाह, नमाज। तो किसी भी तरह की मुश्किल हो, सलाह पे खड़े हो जाना चाहिए। और 5 वक्त की सलाह की पाबंदी के साथ साथ जो अगली आयत आएगी तहज्जुद के मुतालिक, तहज्जुद का अहतमाम करना चाहिए। तो उस मुश्किल में साबित कदमी अल्लाह नसीब करता है, और उसको झेल ले जाना और उसको बियर कर पाना आसान कर देता है। तो लिहाजा इसका जो सीक्वेंस आ रहा है उसको भी समझें और उस पर कान धरें, यानी उसको अमल में लाएं। फरमाए इस आयत में कि सलाह कायम रखिए, सूरज ढलने से लेकर रात के तारीख होने तक, और कुरान का पढ़ा जाना फज्र के वक्त। ये अकीम सलाह वर्ड आया, तो इकामत सलाह से मुराद नमाज पढ़ना नहीं है। वो जो सलाह का तर्जुमा नमाज और इकामत का तर्जुमा पढ़ना किया जाता है ना, वो बहुत नाकिस है, वो पूरा तर्जुमा नहीं है। अरबी ज़ुबान के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं, बहुत सारे बेशुमार, जिनका दूसरी लैंग्वेज में जाकर एक लफ्ज़ में तर्जुमा करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो इकामतुस्सलाह से मुराद सिर्फ नमाज का पढ़ना नहीं है, नमाज का कायम करना है। और नमाज का कायम करना ये नहीं है कि छोड़ पकड़ कर पढ़ा जाए, कोई 5 में से कोई एक गायब कर दिया जाए, या तो देर में कसमसा कर पढ़ा जाए, नहीं। सलाह को कायम करने का माना और मफहूम ये है कि पाबंदी के साथ पढ़ा जाए, यानी कम से कम 5 वक्त की सलाह पाबंदी से पढ़ा जाए, उसके अव्वल वक्त में पढ़ा जाए, उसमें चोरी ना की जाए। चोरी क्या है सलाह में? कि जल्दी जल्दी रुकू किया, जल्दी जल्दी सजदे किया, और रुकू की तस्बीहात एक रुकू में जाते वक्त और एक रुकू में पहुंचने के बाद और एक रुकू से उठते वक्त पढ़ रहे हैं, ये सब सलाह में चोरी है। तो ये सलाह में चोरी ना की जाए, यानी पूरी तरह से उसको पढ़ा जाए। तो ये सारे माना व मफाहिम शामिल हो जाते हैं अक़िम सलाह, सलाह कायम करने में। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सलाह कायम करो। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही खूबसूरती से 5 वक्त की नमाज का की फर्जियत का पता चलता है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि कुरान मजीद से कोई साबित नहीं कर सकते कि नमाज 5 बार फ़र्ज़ है,
वो अहमक हैं। क्या ये आयत उनके नज़र से नहीं गुजरी, इस पर गौर करेंगे तो भी पाँचों वक्त की सलाह का आपको डिटेल मिल जाएगी। फरमाया किस किस वक्त में, दुलूक शम्स के कहा गया, यानी सूरज ढलने, सूरज के जवाल पर। ली दुलू की शम्स ही है ना, तो ली जो है पर के माना में आ गया, ठीक है। दुलू को शम्स का मतलब हुआ सूरज का जवाल। अब फरमाया जा रहा है कि सलाह कायम करो दुलू को शम्स पर। तो दुलू को शम्स से क्या मुराद है? सूरज का जवाल, सूरज का ढलना। सूरज का ढलना कई तरह से है। नंबर एक, जब वो बिल्कुल हेड पर होता है, एकदम सर के ऊपर, तो उससे थोड़ा सा ढलना, ठीक है, वहाँ से वक्त शुरू होता है जुहर सलाह का। सूरज का ढलना रायुल आयन भी मुराद है कि वो जो मिड पॉइंट से आकर, मतलब टॉप पॉइंट एक तो एकदम हेड के ऊपर हो गया, और उस पॉइंट पर आकर जहाँ से जो इमेज है वो डबल हो जाती है, ठीक है, या मिसल हो जाती है कह सकते हैं। तो इमेज जो उसके मिसल हो जाती है, तो एक वो उस पॉइंट से ढलना हो गया, वहाँ से वक्त शुरू हो जाता है असर सलाह का। और एक दुलुकु शम्स से मुराद, सूरज के ढलने से मुराद यह है कि वो उफक से गायब हो जाए, यानी गुरूब हो जाए, तो उस वक्त सलाह का जो वक्त शुरू होता है वो कौन सा है? जी हाँ, मगरिब सलाह का। तो ये सूरज का जवाल तीन तरह से होता है, और तीनों तरह के जवाल पर सूरज के एक एक सलाह है। यानी दुलू को शम्स जो कहा गया तो उसमें जुहर, असर और मगरिब तीनों सलाह आ गई। अब कहा इला गसकिल लैल, और रात के अंधेरी काली तारीख हो जाने पर भी, ठीक है। तो रात का अंधेरा कब होता है? जब गुरूब होने के बाद जो मुकम्मल डार्कनेस हो जाती है वो 1.25 घंटे के बाद तकरीबन हो जाती है, और वो वक्त है इशा सलाह का, ठीक है। ये इशा की सलाह हो गई, अब चार सलाह हो गई। अब फरमाया वा कुरान अल फज्र, और कुरान का पढ़ा जाना फज्र के वक्त, यानी फज्र मतलब फज्र ब्रेक ऑफ डॉन को कहते हैं, जब पॉप हटती है तो, और मतलब एकदम अंधेरे से एक 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 धारी सफ़ेद नज़र आना शुरू हो जाती है, तो उसको पॉप हटना या ब्रेक ऑफ डॉन कहते हैं, और अरबी में फज्र कहते हैं। तो वो फज्र का वक्त होता है नमाज का, जो हम लोग सुबह को सबसे पहले वाली नमाज पढ़ते हैं फज्र में। तो ये पाँचों वक्त की नमाज के लिए कह दिया गया, और पांचों सलाह के यानी औकात सलाह का जिक्र सूरह हूद में आया है, और सूरह तौहा में आया है, सूरह रूम में आया है, इस तरह से अलग अलग जगहों पर आया है। और ये वाली आयत में तो पांचों सलाह के बारे में आराम से उसका मीनिंग निकल सकती है कि पांच वक्त सलाह फ़र्ज है। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने पढ़ा के दिखाई है। तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने पांचों वक्त की सलाह एक बार बिगनिंग टाइम में, लंबी सी हदीस है, पूरे उसके मतन पे नहीं जाते, एक बार बिगनिंग टाइम पे पढ़ाई एक दिन सारी सलाह, फज्र, जोर, असर, मगरिब, इशा, एकदम बिगनिंग टाइम पे पढ़ाई। फिर दूसरे दिन वो पांचों सलाह इन टाइम पर पढ़ाई, फज्र, जोर, असर, मगरिब, इशा, इन टाइम पर पढ़ाई। फिर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी नमाजों का वक्त इन दोनों औकात के दरमियान में है। तो इस तरह पांचों नमाजों के जो टाइम है वो पता चल गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने ये अमल, ये मतलब दिखाया है, प्रैक्टिस करके दिखाया है, और कुरान से मतलब सोगरा कुबरा तो मिल ही रहे हैं, से वाजे होता है कि पांच वक्त की सलाह फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर एक बात गौर किए बगैर ना रहिएगा कि चार नमाजों का जिक्र तो वक्त के हिसाब से हो गया, और यहाँ पर फज्र की सलाह का जिक्र थोड़ा अलग से हुआ। कुरान अल फज्र, कुरान का पढ़ा जाना फज्र के वक्त, तो इससे क्या मुराद है? पहली बात तो इससे कुरान फज्र की अहमियत पता चल रही है कि फज्र की कुछ ज़्यादा अहमियत, कुछ ख़ास अहमियत है। दूसरा ये कि फज्र को कुरान से जोड़ा गया, तो कुरान फज्र में
ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कहने का मतलब लंबी क़िरात होनी चाहिए, क्योंकि आगे फरमाया ना कि जो फज्र का वक्त है वो उसका उसमें कुरान का पढ़ा जाना मशहूद है। मशहूद दो माना में है, एक तो इंसान मशहूद है मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा पुरसुकून रहता है, उसको पूरे इधर की उधर की दाएं बाएं बिजनेस की घर के काम की टेंशन नहीं रहती है, सो कर उठा रहता है तो काफ़ी मतलब उसका दिमाग हाजिर रहता है, तो वो खुद हाजिर रहता है। साथ ही वो टाइम ऐसा है जिस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं, फरिश्ते हाजिर होते हैं। फरिश्तों की हाजिरी कैसे है भाई, हर वक्त ही है? नहीं, फज्र में फरिश्तों का हाजिर होना एक ख़ास बात भी अपने अंदर लिए हुए है। वो क्या कि ऐसे तो हर वक्त इंसान के आमाल फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन दो वक्त ऐसे होते हैं जिस वक्त फरिश्ते एक्सचेंज होते हैं, फज्र के वक्त और असर के वक्त। कि फज्र से असर तक का जो मतलब आमाल लिखते हैं वो असर में ऊपर जाते हैं, और असर में जो आते हैं वो फज्र में ऊपर जाते हैं। तो इन दो औकात में फरिश्ते दोनों दोनों रहते हैं, यानी फज्र से असर तक लिखने वाले फरिश्ते भी और असर से फज्र तक लिखने वाले फरिश्ते भी, तो फरिश्तों की मौजूदगी होती है। तो कहा कि कुरान जो पढ़ा जाना है फज्र में वो मशहूद है, तो फरिश्ते भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और इंसान का कल्बी सुकून के साथ भी वो पूरे दिमागी सतह पर भी पूरी तरह से मौजूद और मशहूद होता है, तो दोनों ही माना में। तो इसलिए कुरान को ज़्यादा तिलावत करें फज्र की सलाह में, फज्र की जो फ़र्ज़ है दो उसमें लंबी सूरा तिलावत करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा है और उम्मत के लिए यह मुस्तहब है कि फज्र की क़िरात लंबी हो। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पर 5 वक्त की सलाह का एक तो जिक्र किया, और आगे जो बात आ रही है वो भी अपने आप में बहुत अहमियत की हामिल है। फरमाया आयत नंबर 79 में, व मिनल्लैलि फतहज्जद बिही, और रात के एक हिस्से में आप जागिए इसके साथ यानी कुरान के साथ। नाफिलतल्लक असायब असकर रब्बुका मकामम महमूदा, ये इजाफी चीज़ है आपके लिए, उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमाएगा। अब देखिए, हमने आपको कहा ना कि प्रॉब्लम के टाइम, मुश्किल के टाइम, मसाइब के वक्त में सलाह से मदद लेनी चाहिए और तहज्जुद से मदद लेनी चाहिए। तो यहाँ पे तहज्जुद का भी जिक्र आ गया, पहले 5 वक्त सलाह का जिक्र है फिर तहज्जुद का जिक्र आ गया, कि अल्लाह ताला फरमाते अपने नबी से कि आप जागिए। फतहज्जुद जो लफ्ज़ आया वो तहज्जुद से, तहज्जुद का माना होता है नींद से जागना, नींद को तोड़कर उठना, ठीक है? तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि रात के एक हिस्से में आप जागिए इसके साथ, और ये भी बामाना कुरान है, कुरान के साथ। यानी तहज्जुद में लंबी लंबी सूरा ज़्यादा ज़्यादा कुरान तिलावत किया जाना चाहिए, और उसका जो कयाम है वो लंबा होना चाहिए, और फिर उसके इत्तेदाल के साथ मुतअद्दिल नमाज होनी चाहिए, लंबा रुकू और लंबे सुजूद भी। तो उसकी तहज्जुद की जो शान है वो लंबा लंबा कयाम है। तो फरमाया कि रात के एक हिस्से में आप जागिए कुरान के साथ, और नाफिल तल्ला का आपके लिए, ये नफल है, इजाफी चीज़ है। नफल नाफिला जो है नफल से, नफल का माना क्या होता है कि किसी चीज़ का उससे जायद होना, ठीक है? तो जायद मतलब जितना जितना फ़र्ज हो उससे जायद, तो नफिल ये इजाफी चीज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए उसको इजाफी इस अंदाज़ में माना कि मतलब हमेशा और हमेशा तहज्जुद गुजारी की है, और हमेशा तहज्जुद में अल्लाह की इबादत में क़याम किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उम्मीद है कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज फरमा दे। मकाम महमूद एक एक तो ये हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बहुत ज़्यादा महमूद हो जाएं, और ऐसा हो गया।
कि अभी तो जब ये आयात नाजिल हो रही है तब तो लग रहा है कि मोहम्मद का रास्ता रोक दिया है सबने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कितना सदा डाला है, लेकिन अनकरीब वो दिन आने वाला था कि अभी रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाते हैं और उसके बाद वो रसूलल्लाह की जो इज्जत और जो शान वहाँ पर बनी और उसके बाद रहती दुनिया तक आपका जिस तरह से नाम लिया जा रहा है और लिया जाएगा, हर अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, वरफअना लका ज़िक्रक, तो इस तरह अल्लाह ताला ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महमूद बना दिया। तो दुनिया में भी आप महमूद हो गए, और इसका एक मतलब ये भी है कि रोज़े क़ियामा अल्लाह ताला रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद एक एक पर्टिकुलर एज़ाज़ है जो नसीब करेगा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पोस्ट पर उस एज़ाज़ को हासिल करके लोगों की शिफात करा सकेंगे, तो वो मकाम महमूद है। असल लफ्ज़ जो आया है उम्मीद है कि, तो जब ये इंसानों के लिए आए तो ये होता है कि रजा उम्मीद मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है चांसेस, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए आ जाए तो इसका मतलब होता है कि उम्मीद है कि आपको आपके लिए। तो अब यहाँ पे आशा का जो सही तर्जुमा हो जाएगा तो ये वो ये हो जाएगा कि आप उम्मीद रखिए कि आपका रब आपको मकाम महमूद पर फाइज कर दे। ये कंपैटिबिलिटी में दिक्कत होती है ना लोगों को कि ऐसा तो रब को तो सब मालूम है, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, फिर रब के लिए ये कैसे, अल्लाह के लिए कैसे कि उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये कर दे, तो अल्लाह ताला को सब मालूम है। नहीं, आपके लिए उम्मीद है कि आप उम्मीद रखो कि आपके लिए ऐसा कर दे। और ये नमाजों के लिए एक बात स्किप हुई है जो हम जल्दी से कहना चाहेंगे कि जो प्रीवियस आया में सलाह के अवकात हैं वो वैसे वैसे अवकात हैं जो सूरज की परस्तिश के बिल्कुल बरक्स है। अल्लाह ताला की तख्लीक शुदा चीज़ में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा इबादत की गई है वो सूरज की गई है, ना सिर्फ की जाती है। तो जिन अवकात में मुशरिकीन सूरज की इबादत करते हैं, सूरज निकलने के वक्त, सूरज एकदम चढ़ जाने के वक्त और सूरज गुरूब होने के वक्त, उन सब चीज़ के अलग अलग टाइम पर नमाजों का वक्त शुरू होता है, उससे बिल्कुल रद्द हो जाता है कि हम सूरज की इबादत नहीं करते, हम सूरज के रब की इबादत करते हैं। इनफैक्ट सूरज भी अपने रब की इबादत करता है, उसका उसका सर पे होना क़याम है, उसका आधे दूर तक ढल जाना रुकू है और उसका गुरूब हो जाना सजदा है। इस तरह की तफसीलात कुरान में कई आयात से मिलती है। आयत नंबर 80 है, वकुल रब अदखिलनी मुदखला सिद्क वअखरिजनी मुखरज सिद्क, और दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब मुझे दाखिल कर इज्जत का दाखिल करना और मुझे निकाल इज्जत का निकालना, वजअल मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे ख़ास अपने पास से मददगार क़ुव्वत अता फरमा। अब देखिए कितनी शानदार बात हो रही है। अभी यहाँ पर तो लग रहा है कि मतलब मुसीबत खड़ी की हुई है हम कुफ्फार ने रसूलल्लाह के लिए, और अल्लाह ताला दुआ करने के लिए कह रहे हैं, और ये दुआ ही नहीं है, खुशखबरी दे रहे हैं टाइम से पहले ही। अभी अभी सिर्फ मुसीबत दिख रही है और कहीं कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इशारा दे रहे हैं कि आप हिजरत की दुआ करिए। क्या हिजरत की दुआ? कि ऐ मेरे रब मुझे दाखिल कर इज्जत का दाखिल करना और मुझे निकाल इज्जत का निकालना। सुभान अल्लाह, यानी इशारा दे दिया गया है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो दिन दूर नहीं कि आपको आपका रब बहुत इज्जत का दाखिल करना दाखिल करेगा। सबसे कमाल की बात यहाँ पर यह है, जो रब की मोहब्बत और शफ़क़त से बिल्कुल लबरेज है, मतलब उससे टपक रही है अल्लाह ताला की मोहब्बत, वो ये कि निकालने की बात बाद में आ रही है और दाखिल करने की बात पहले आ रही है। यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे कहा जा रहा है दुआ करने के लिए, मगर आप ये समझ लीजिए कि आपके दाखिल होने की इज्जत के साथ, आबरू के साथ और बड़ी शान के साथ, बेताज बादशाह की हैसियत से मदीना में दाखिले के पहले तैयारी है, फिर आप यहाँ से निकलिएगा। सुभान अल्लाह, और ऐसा ही हुआ।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकले हैं मक्का से तो मदीना में दाखिल हुए हैं तो बेताज बादशाह की हैसियत से दाखिल हुए हैं। औस और खजरज ने अपना बेताज बादशाह तस्लीम कर लिया और जितने मदीना के अराउंड यहूद के कबाइल थे तीनों उन तीनों से मसालेहत हो गई और उनसे मिसाक में उनको जकड़ लिया रसूलुल्लाह ने। तो इस तरह सबके रूलर बन गए। जाते ही सुभान अल्लाह यहाँ पर तो जीना मुहाल किया हुआ था मुशरिकीन ने और वहाँ पर अल्लाह ताला ने बस एक ही पहुँचते ही जैसे ही वहाँ पहुँचे आपको बेताज बादशाह बना दिया। तो अल्लाह ताला ना सिर्फ यहाँ पे दुआ करने के लिए कह रहा है, इशारा दे दिया कि बस अब हिजरत करीब है, आप हिजरत की दुआ करना शुरू कर दीजिए कि आपको खैर के साथ आपका रब निकाले और खैर के साथ सिद्क के साथ तमाम खूबियों से पुर आपको दाखिल करे मदीना मुनव्वरा में। अभी बात वाज़े नहीं हुई थी कि कहाँ पे आपको हिजरत करनी है, लेकिन इशारा दे दिया गया था और फरमाया कि दुआ करिए कि मुझे ख़ास अपने पास से मददगार क़ुव्वत अता फरमा, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करने के लिए कहा गया कि आप अपने लिए दुआ कीजिए कि आप रूलर बने, आपको क़ुव्वत और इक़्तिदार नसीब हो ताकि आप अल्लाह के दीन को नाफिज कर सकें। सिर्फ देखिए दीन को कायम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दीन इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है बल्कि सोशल जस्टिस का भी नाम है और सोशल जस्टिस तभी कायम हो सकता है जब इस्लाम कायम हो, तो वो सबके दरमियान जस्टिस करे, इंसाफ करे और जुल्म से पाक करे सराउंडिंग को और मसावात और तमाम अपनी जो माशरती कवानीन है उसको कायम करें। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आप दुआ कीजिए कि आपको क़ुव्वत अता करे सुल्तान, यानी कि आप इख्तदार अता करें। आयत नंबर 81 है, वक़ुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल, और आप कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल भाग गया। इन्नल बातिल कान ज़हूका, यकीनन बातिल है ही भाग जाने वाला। अब अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं ऐसी बात जो बज़ाहिर सराउंडिंग को देखते हुए बहुत अजीब है लेकिन अल्लाह की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एकदम तंग करके रखा था जिस माहौल में, यानी अभी हिजरत से एक साल पहले ये बात नाजिल हो रही है कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। तो और ये पास्ट टेंस में कहा जा रहा है, जाल हक आ गया हक और बातिल नाबूद हो गया। तो ये इसको पूरा होने में अभी कम से कम एक साल, और बद्र के लें तो 2 साल और फतह मक्का को लें तो अभी 9 साल बाकी था। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला को पता है कि अब वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह सुब्हान ताला का भेजा हुआ हक पूरे पे गालिब हो जाएगा, और यहाँ हक से मुराद दीन हक है और बातिल से मुराद अदियान बातिला हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया, और बातिल की जो सिफत है वो है ही कि वो नाबूद होने वाला है, वो मिट जाने वाला है। जब हक बातिल से टकराता है ना तो बातिल को पाश पाश करके रख देता है, वो उसके सामने टिक नहीं पाता। ये बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि बातिल का गलबा हो रहा है और वो फल फूल रहा है और हक सिमट रहा है और वो उसको बातिल ने हक को श्रिंक करके रख दिया है, लेकिन वो बहुत टेम्प्रेरी होता है, वो ऐसा लगता है मगर होता नहीं है क्योंकि हक हक है और बातिल की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। बातिल वो है ही वो चीज़ जिसका वजूद एक्चुअली ना हो, ऐसा महसूस हो। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया। और ये आयत नाजिल होने से सिर्फ 9 साल के बाद मक्का पूरा फतह हो जाता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान फातिहीन की हैसियत से मक्का में दाखिल हो जाते हैं, और जो खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तीर की अन्नी से नेज़े की अन्नी से उन बुतों को गिराते जाते थे और यही आयत तिलावत करते जाते थे कि
दज्जाल हक व ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया और बातिल नाबूद हो गया और बातिल था भी नाबूद होने वाला। तो अल्लाह सुबहान व तआला ने इसकी पेशगी खबर दे दी थी कि बस ये दिन आने ही वाला है और वो दिन बहुत जल्दी सिर्फ 9 साल के बाद आ गया था। आज के लिए इतना ही, आयत नंबर 81 तक। इसके आगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते जानेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने असमा शम्स चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टैप करें ताकि आपको रीसेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहें अपलोड्स के। और फेसबुक पे असमा शम्स पेज लाइक करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी हिफाजत करे और कोरोना वायरस पैंडेमिक से आपकी हिफाजत करे और आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी नवाजे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।